जी मैम। जी सर, सर आपको पता है, पहले भी आपको पता होगा कि हमारा जो प्रोटेस्ट चला था पूरे 6 महीने तक चला था, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली। हमें पूरा विश्वास था कि जब हमारी स्टेट जो यूटी बनेगी उसके दौरान हमें भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे यूटी के, जो बाकी बाहर स्टेट्स में मिल रहा है 18,000 रुपया मिल रहा है पौंडीचेरी में, और हर एक स्टेट में अलग अलग दिया जा रहा है, हमें मात्र 5,000 रुपया दिया जाता है, वो भी टाइम पे नहीं दिया जाता। कि आप खुद ही समझो कि एक जो 5,000 रुपया है वो उसके साथ एक वर्कर जो है अपनी फैमिली कैसे चला सकती है, 5,000 में उसकी दवाई भी पूरी नहीं होती है। इस महंगाई के दौर में इनको पता होना चाहिए कि जो आंगनबाड़ी वर्कर है, जब आपने शुरुआत की थी तब कितनी सैलरी थी? तब हमारी सैलरी ये थी 3600 थी। तब इन्होंने किया था कि 5,000 किया था, उसके बाद इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि रेगुलराइज भी किया जाएगा आपको, हमें जब यूटी बनेगी आपको सारे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, और आपकी सैलरी में आपके जो और भी जो बेनिफिट्स होंगे आपको सभी मिलेंगे। अगर एक इन्होंने आपको बेवकूफ बनाया कि यूटी बनाएंगे आपको फायदे, बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात को कहीं घुमा दिया। हमारा जो धरना था, प्रोटेस्ट था, इन्होंने बोला कि इसको तोड़ दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हमने धरना अपना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आश्वासन दिया था कि आप ये बंद कर दो, 6 महीने के अंदर आपको जो है रेगुलराइज किया जाएगा, और जहाँ तो आपको रेगुलराइज किया जाएगा जहाँ आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बट कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हमारे ऊपर जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है थोपी गई हैं। ड्यूटीज़ देने के लिए हम वर्कर पीछे नहीं हटती है। कोविड के दौरान 2 साल हो गए कोविड को, कोविड के दौरान वर्कर डोर टू डोर जाके ड्यूटी देती है, जिस टाइम कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा होता है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक कोई बाहर नहीं निकला होता लॉकडाउन में, उस टाइम वर्कर जो जाके डोर टू डोर ड्यूटी देती है, कोविड में जाके डोर टू डोर ड्यूटी देती है, किट देती है, और जाके इलेक्शन ड्यूटी देती है। कितनी सैलरी की डिमांड आती है?